हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जब बात किसानी की आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में या तो फसल आते हैं जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि, या ऐसे पेड़ पौधे जो कुछ फल या लकड़ी फर्नीचर प्रदान कर सके, जैसे कि आम, महुआ, बरगद और पीपल, शीशम इत्यादि के पेड़। आम हो गया, सेब हो गया, हालांकि इधर तो सेब नहीं पाया जाता है, केला हो गया, लीची हो गया, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत जो है वो सभी तरह का फार्मिंग भी है, जैसे कि गाय पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया और बत्तख पालन हो गया। हमारे साथ ऐसे ही एक शख्सियत जुड़ चुके हैं लाल बाबू सिंह जी ने, जो वर्तमान समय में मुर्गा फार्म ओपन किए हैं, मुर्गा फार्म चला करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। और अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि करीब 6 लोगों को वो रोज़गार भी दे चुके हैं। वो तो लोगों को देखे, उसके बाद यूट्यूब से जानकारी मिला, उसके बाद जो है से शुरू किए थे। और कब से कर रहे हैं? लगभग पाँच साल हो गया जी। 5 सालों से ये आप पालन कर रहे हैं जी। आप बता दीजिए कि पालन कैसे किया जाता है, कौन से मतलब आप जो दाना खिलाते हैं वो कौन से? इसमें तो 2-3 कंपनी है जो चूजा बेचती है, जैसे स्काईलार्क, बैंकीज और एक दो कंपनी है, और उसी में ज़्यादातर लोग स्काईलार्क या बैंकीज यूज करते हैं, वही चूजा मंगाते हैं और उसको ज़मीन पर पाला जाता है 4 महीने तक। उसके बाद जो है से फिर केज में चढ़ाया जाता है, उसके बाद अंडा उत्पादन शुरू होता है। कितने दिन बाद अंडा देना चालू होगा? 4 महीने बाद अंडा देना चालू होता है। मुर्गी को खिलाने के लिए, क्योंकि खिलाने के लिए कौन से दाना या कौन से इसका इस्तेमाल करते हैं? वो तो बहुत सारी कंपनी है जिसमें हम न्यूट्रीक्राफ्ट दाना चला रहे हैं शुरू से अभी तक। कोई केमिकल भी नहीं? केमिकल नहीं, मेडिसिन जो इसका चलता है, जो लंबी आयु तक ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए बहुत सारा मेडिसिन है जो चूजा के डॉक्टर के शेड्यूल के हिसाब से उसका मेडिसिन चलता है। एक मुर्गी जो है, आप जिस नस्ल का मुर्गी पालन कर रहे हैं उस नस्ल में एक मुर्गी कितने दिनों तक अंडा दे सकती है? लगभग 18 से 20 महीने तक अंडा। 18 से 20 लोगों को रोजगार दिए हैं। प्रतिदिन आपका जो फार्म है वहाँ से कितने अंडों का उत्पादन होता है? 12 से 12.5 हज़ार के आसपास अभी हो रहा है, अभी फिलहाल जी। और व्यापारिक रेट में आप बेचते होंगे? जी, व्यापारी रेट में बेचते हैं। कितना रेट है वर्तमान समय में जो चल रहा है? आज का 200 कुछ रुपया है, 230 के आसपास है जी। और पीस के हिसाब से बता दें जी, पीस के हिसाब से प्रति पीस कितने रुपए पड़ जाता है? पीस के हिसाब से आज का है 1 सेकंड। अच्छा, प्रतिदिन ये तय होता है जी? शेयर बाजार के हिसाब से ही लगभग, इसका बरवाला में लोग है जो वहीं से तय करते हैं, ऑल इंडिया का। कौन तय करता है? आज का 1022 रुपया है। 1022 रुपये का चीज़? एक कार्टून का, 210 अंडे का। अच्छा। और फिर वो जो मार्केट में बेचेंगे तो? मार्केट में बेचेंगे तो वही में 20-25-30 रुपया ऐसे करके बढ़ा के बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं जी जी। कितना टेम्परेचर रहे जो मतलब सभी जो मुर्गा है वो सुरक्षित रहे? नहीं, टेम्परेचर के लेके दिक्कत नहीं होता है, चूँकि अपने यहाँ बिल्कुल सामान्य मौसम रहता है। इस बार थोड़ा ज़्यादा गर्मी था, लेकिन दिक्कत होता है बरवाला से जो रेट निकालते हैं वो लोग बहुत दिक्कत करते हैं और जानबूझ के रेट कम करते हैं ताकि बिहार का फार्म और यूपी का फार्म खत्म हो जाए। लेकिन यूपी के जो सरकार है वहाँ के फार्मरों के बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ है नहीं, न रेट सरकारी रेट तय होता है न कुछ। हम लोगों को तो यही कहना है, सरकार एक रेट तय करे, उसी रेट के हिसाब से कम जो भी रेट निकले, 1 सप्ताह 10 दिन तक रेट वही रहे। प्रति महीने के हिसाब से या सालाना कितना इनकम होता है उसमें सर कुछ कहा नहीं जा सकता है, एवरेज महीने के हिसाब से निकाला जाए तो? वो भी रेट, जैसे कि मान लीजिए रेट कम हो गया तो पता चलेगा 2-3 महीना घाटा लग रहा है, तो 10,000-20,000 का रोज घाटा लग रहा है। अगर प्रॉफिट होती है तो फिर वही 20,000-25,000-30,000 के रोज फिर प्रॉफिट होता है, उसको कुछ कह नहीं सकते, वो रेट के ऊपर तय होता है। प्रतिदिन 20-30 हज़ार अगर प्रॉफिट होती है जी, वो जाड़े के समय में ही, चूँकि जिसका जितना फार्म बड़ा है उस हिसाब से हम अपना बताए हैं, हमारा 15,000 का फार्म है, अगर वही ठंडा में जाड़े के समय में 2-3 महीने 20,000 के कम से शुरू में लागत पड़ा था, हमको लगा था 1,35,00,000 रुपया लगा था। इतना